एक समय की बात है, जयनगर नाम के एक गांव के सुनसान जगह पर एक हैंडपंप था। एक दिन राजेश वहां से गुजर रहा था तो उसे हैंडपंप के पास एक चीज दिखी। अरे ये क्या चीज है, पहले तो कभी नहीं देखी। राजेश उस हैंडपंप के पास जाता है और उस चीज को उठा लेता है। कुछ भी हो, बड़ा सुंदर है, मैं इसे अपने पास ही रखता हूँ। अगर कोई खोजते हुए आएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। फिर राजेश वहां से चला जाता है। सुबह से रात हो जाती है और उसी जगह से हरिया नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। फिर उस आदमी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे भाई, ये कैसी आवाज है? जब हरिया देखता है तो वह चौंक जाता है। हैंडपंप अपने आप चल रहा होता है। हरिया घबरा जाता है और उस हैंडपंप की ओर बढ़ता है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जब वह उस हैंडपंप के पास पहुंचता है और उस हैंडपंप को छूता है, तब उसे जोर का झटका लगता है और वह दूर गिर जाता है और फिर हैंडपंप रुक जाता है। हरिया जल्दी से वहां से भागता है। अगली सुबह ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात राजेश तक पहुंचती है। जब मैं उस हैंडपंप के पास गया था और वो चीज ली थी, तब तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपने ड्रोन को वहां भेजता हूँ। इसका कैमरा भूत जैसी चीजों को भी देख सकता है। राजेश अपने ड्रोन को वहां भेजता है तो वह देखता है कि वहां एक रोबोट है जो कि हैंडपंप को चला रहा है। अरे कितनी देर से मैं ये हैंडपंप चला रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉकेट अभी तक नहीं निकला। फिर राजेश अपने ड्रोन को वहां से वापस बुला लेता है। ओ तो ये बात है, मैं सब कुछ समझ गया। फिर राजेश हैंडपंप वाली जगह जाता है। हे रोबोट, तुम्हारा लॉकेट मेरे पास है। क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन कैसे? नहीं, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन मैंने अपने ड्रोन से सब कुछ देख लिया है। तो लाओ मेरी चीज मुझे लौटा दो। नहीं, पहले ये बताओ कि तुमने हमारे गांव वाले को परेशान क्यों किया और तुम्हें ये लॉकेट क्यों चाहिए? मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और मैंने इनविजिबल सूट पहना है, लेकिन मेरा लॉकेट इस हैंडपंप में गिर गया था, जिसकी मदद से ही मैं वापस दिखाई दे सकता हूँ। इसलिए मैं इस हैंडपंप को चलाकर उस लॉकेट को निकाल रहा था। उतने में वो आदमी आ गया और मैं डर गया और उसे धक्का दे दिया। ओ तो ये बात है, तो ठीक है, ये लो अपनी चीज और अपने ग्रह वापस चले जाओ। राकेश वो लॉकेट रोबोट को लौटा देता है। रोबोट दिखाई देने लगता है। धन्यवाद। फिर वो रोबोट वहां से चला जाता है। इस कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।